अगर आप अपने लिए एक बेस्ट एयर कंडीशनर परचेज करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि एलजी, डैकिन और पैनासोनिक के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी में से कौन सा लें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में मैं आपको एलजी, पैनासोनिक और डैकिन के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी के बीच में डिटेल कंपेरिजन करके बताऊँगा, जिसमें मैं इन तीनों ही एसी के कॉमन फीचर्स, डिफरेंट फीचर्स और प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊँगा, जिससे कि आपको अपने लिए तीनों में से किसी एक को चूज करने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों, तीनों ही एसी के कंपैरिजन करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार अपने लिए एयर कंडीशनर लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर अपने पुराने एसी को अपग्रेड कर एक नया एसी लेने का प्लान कर रहे हैं, और अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी की एसी लेनी चाहिए, जैसे कि इन्वर्टर या फिर नॉन इन्वर्टर, एक 3 स्टार एसी लेना चाहिए या फिर एक 5 स्टार, या फिर रूम साइज के हिसाब से आपको कितने टन का एसी लेना चाहिए, जैसे कि 1 टन, 1.5 टन या 2 टन, तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड एसी बाइंग गाइड वीडियो बना रखा है। आपको अपने लिए एसी खरीदने से पहले ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप अपने लिए एक बेस्ट एसी सेलेक्ट कर पाएंगे। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बिना समय गंवाएं एलजी, डैकिन और पैनासोनिक के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी के बीच में डिटेल कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों ही एयर कंडीशनर में मिलने वाले कॉमन फीचर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। रेफ्रिजरेंट गैस की बात करें तो इन तीनों ही एसीज में R32 रेफ्रिजरेंट गैस देखने को मिलती है, जो कि इको फ्रेंडली गैस है और कूलिंग के मामले में काफ़ी एफिशिएंट है। कंडेंसर कॉइल और कूलिंग कॉइल की बात करें तो इन तीनों ही ब्रांड ने 100% कॉपर का यूज़ किया है, साथ ही कोरोजन से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर कोटिंग भी देखने को मिल जाती है। एलजी के एसी में इंडोर यूनिट पर ब्लैक कलर की कोटिंग प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, वहीं आउटडोर यूनिट में गोल्डन कलर की कोटिंग प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। पैनासोनिक और डैकिन के आउटडोर यूनिट में ब्लू कलर की कोटिंग प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जबकि डैकिन के इंडोर यूनिट में नॉर्मल एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। वहीं पैनासोनिक एसी के इंडोर यूनिट में ब्लू कलर का कोटिंग प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तीनों एयर कंडीशन के अंदर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिल जाता है, जिसकी वोल्टेज रेंज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस वोल्टेज रेंज का मतलब यह है कि आपके एरिया में अगर इस वोल्टेज रेंज के अंदर पावर फ्लक्चुएट करता है, तब आपको अलग से स्टेबलाइजर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जब भी एसी इंस्टॉल कराएं तो साथ में अलग से स्टेबलाइजर जरूर लगाएं, क्योंकि आपके एरिया में पावर कितना फ्लक्चुएट हो रहा है इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। स्टेबलाइजर के अंदर ऐसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर होते हैं जो आपके एसी को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से सेफ रखता है। कंप्रेसर की बात करें तो इन तीनों ही एसी में इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, लेकिन पेटेंट नेम ब्रांड टू ब्रांड आपको अलग अलग नाम से मिलेगा। पैनासोनिक में आपको ट्विन रोटरी नाम से कंप्रेसर देखने को मिलेगा, वहीं एलजी में डुअल इन्वर्टर नाम से कंप्रेसर देखने को मिलेगा और डैकिन में नियो स्विंग इन्वर्टर के नाम से कंप्रेसर मिलेगा। पैनासोनिक और एलजी ये क्लेम करते हैं कि अगर आपके एरिया में 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक बाहर का टेम्परेचर रहेगा, तब भी उनका एसी अच्छी कूलिंग प्रोवाइड कराएगा। वहीं डैकिन ये क्लेम करता है कि 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी उनके कंप्रेसर से अच्छी कूलिंग मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इंडिया में इतना हॉट वेदर नहीं होता, तो इन तीनों ही एसी से आपको अच्छी कूलिंग मिलेगी। एसी के इंडोर यूनिट को क्लीन करने के लिए इन तीनों ही एसी के अंदर फीचर्स देखने को मिल जाता है। डैकिन में इसे ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, वहीं एलजी में ऑटो क्लीन और पैनासोनिक में इसे क्रिस्टल क्लीन के नाम से जानते हैं। इन फीचर्स की हेल्प से आप इंडोर यूनिट को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई तीनों ही एसीज के कॉमन फीचर की बात। अब बात करते हैं तीनों ही एसीज के डिफरेंट फीचर की। दोस्तों, पैनासोनिक एयर कंडीशनर में कूलिंग कैपेसिटी 5100 वॉट की मिलती है और इस हिसाब से ये एसी आपको 1.45 टन का मिल जाता है और मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 5610 वॉट की मिलेगी। इंडोर यूनिट की बात करें तो पैनासोनिक का इंडोर यूनिट 12 केजी का मिल जाता है और आउटडोर यूनिट 25 केजी का मिल जाता है। वहीं एलजी के एयर कंडीशनर में 100% कूलिंग कैपेसिटी 5000 वॉट का मिलता है और इस हिसाब से ये मॉडल आपको 1.42 टन का मिलेगा और मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पर 5800 वॉट का मिलेगा। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के साइज़ की बात करें तो इंडोर यूनिट यहाँ पर 11 केजी का मिलेगा और आउटडोर यूनिट 30 केजी का मिलेगा। वहीं डैकिन के एयर कंडीशनर के कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5280 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी। इस हिसाब से यह एसी 1.5 टन का ही मिलता है और मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी इस एसी में 5750 वॉट का मिल जाता है। इंडोर यूनिट इस मॉडल में 11 केजी का मिलेगा और आउटडोर यूनिट 32.5 केजी का मिल जाता है। और दोस्तों, ये जो एसी है वो अप टू 200 स्क्वायर फीट तक के रूम को प्रॉपर कूल कर सकता है। वहीं एलजी और पैनासोनिक वाला मॉडल अप टू 180 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए एक अच्छी चॉइस बन जाते हैं। चूंकि तीनों एयर कंडीशनर 5 स्टार रेटिंग वाले हैं, पैनासोनिक एयर कंडीशनर में आपको 5.10 की आईएसओ रेटिंग मिलेगी और बी स्टार रेटिंग पैरामीटर के हिसाब से ये एसी एक साल में 774 यूनिट पावर कंज्यूम करेगा।
वहीं LG के एयर कंडीशनर में आपको 5.20 की आईसर वैल्यू मिलेगी और ये एयर कंडीशनर बी स्टार रेटिंग के पैरामीटर के हिसाब से एक साल में 744 यूनिट पावर कंज्यूम करेगा। और डेकिन के एयर कंडीशनर में भी 5.20 की आईसर वैल्यू मिलती है और बी स्टार रेटिंग के पैरामीटर के हिसाब से ये AC एक साल में 785 यूनिट पावर कंज्यूम करता है। नॉइज लेवल की बात करें तो पैनासोनिक एसी में आपको मिनिमम नॉइज लेवल 39 डेसिबल का मिल जाता है, एलजी के एयर कंडीशनर में आपको मिनिमम नॉइज लेवल 31 डेसिबल का मिल जाता है, वहीं डेकिन के एयर कंडीशनर में आपको मिनिमम नॉइज लेवल 38 डेसिबल का मिलता है। यानी कि दोस्तों पैनासोनिक और डेकिन के मुकाबले एलजी का एयर कंडीशनर आपको साइलेंट ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा। दोस्तों अब हम इन तीनों ही एसीज के कुछ अदर फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पैनासोनिक एयर कंडीशनर के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों पैनासोनिक का यह एयर कंडीशनर वाईफाई इनेबल्ड है, यानी कि दोस्तों इस एसी का पूरा कंट्रोल आप अपने मोबाइल पर ले सकते हैं। साथ ही यह एयर कंडीशनर अमेजन एलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट को भी सपोर्ट करता है। पैनासोनिक का यह एसी 2024 वाला मॉडल है जो इंडिया का फर्स्ट मैटर इनेबल्ड एयर कंडीशनर है, यानी कि आपके घर में जो भी अदर IoT अप्लायंसेस है उसे आप एक ही अप्लायंसेस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं इस एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट में 4-way एयर स्विंग का फीचर मिल जाता है, यानी अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट चारों दिशाओं में इंडोर यूनिट से एयर फ्लो मिलेगा, जिससे आपका रूम जल्दी से और यूनिफॉर्मली ठंडा होगा। ये एयर कंडीशनर लो गैस डिटेक्शन फीचर के साथ आता है। सपोज अगर एसी में गैस रिलेटेड कोई भी इशू है तो ऑटोमेटिकली एरर कोड एसी के डिस्प्ले पर विजिबल हो जाएगा। इस एयर कंडीशनर में 7-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड मिल जाता है, जिससे आप एसी को कम कैपेसिटी पर भी रन कर सकते हैं और ज़्यादा कैपेसिटी पर भी कूलिंग ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें एडिशनल AI मोड का फीचर मिल जाता है जो रूम के टेम्परेचर को सेंस करते हुए कूलिंग को मैनेज करता है। इसके अलावा इस एसी में आपको स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर भी मिल जाता है, जिसका फायदा यह है कि सपोज आपके एसी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मिराई ऐप के थ्रू प्रॉपर ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं और एग्जैक्टली क्या इशू है वो आप पता कर सकते हैं। एयर फिल्ट्रेशन में आपको इस एसी में PM.1 फिल्टर मिलता है, जो कि एक बेस्ट एयर प्योरीफिकेशन फिल्टर है। ये जो फिल्टर है वो हवा से वायरस और बैक्टीरिया को प्रॉपर तरीके से इनएक्टिव करता है और आपके एयर कंडीशनर से फ्रेश एंड हेल्दी एयर प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं LG एयर कंडीशनर में मिलने वाले कुछ और अदर फीचर के बारे में। दोस्तों इस एसी में आपको AI इनेबल्ड 6-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स मिलते हैं, जिसमें आप इस एसी से 100% कूलिंग कैपेसिटी यानी कि 1.5 टन कैपेसिटी के अलावा कम कैपेसिटी में भी आप इस एसी से कूलिंग ले सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है तो विराट मोड पर भी इस एसी को यूज़ करके 110% कूलिंग ले सकते हैं। इस एसी में जो AI मोड मिल रहा है वो रूम के टेम्परेचर को सेंस करके प्रॉपर कूलिंग को बनाए रखता है। इस एसी में लो गैस डिटेक्शन का फीचर भी मिल जाता है। सपोज आपके एसी में गैस रिलेटेड कोई भी इशू है तो CS38 का जो एरर कोड है वो एसी के इंडोर यूनिट के डिस्प्ले पर शो होगा। इस मॉडल के अंदर स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर भी देखने को मिल जाता है। सपोज अगर एसी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो LG के ThinkU ऐप या फिर LG के कस्टमर केयर पर कॉल करके आप उसको आइडेंटिफाई करा सकते हैं। साथ ही रिमोट कंट्रोल में भी एक बटन देखने को मिलता है, अगर उसे आप 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो AC ये चेक करेगा कि उसमें कोई इशू तो नहीं है, और अगर इसमें कोई इशू मिलता है तो उसका एरर कोड इंडोर यूनिट के डिस्प्ले पर शो होगा। इस एसी में भी आपको 4-way स्विंग का फीचर मिल जाता है। वहीं एयर फिल्ट्रेशन में HD फिल्टर विद एंटीवायरस प्रोटेक्शन मिलेगा। दोस्तों ये जो फिल्टर है वो हवा से वायरस बैक्टीरिया को अच्छे तरीके से क्लीन करता है और एसी से हेल्दी एंड फ्रेश एयर आपको प्रोवाइड कराता है। बात करते हैं डेकिन के एयर कंडीशनर के अदर फीचर के बारे में। तो इस एसी के इंडोर यूनिट में ट्रिपल डिस्प्ले मिलता है, जहां पर आप पावर कंजप्शन का परसेंटेज चेक कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर कितना है ये चेक कर सकते हैं, और एसी में कोई भी इशू है तो ऑटो एरर कोड ट्रिपल डिस्प्ले पर ही विजिबल होगा। इस एसी में आपको 3D एयर फ्लो मिलेगा, यानी कि इंडोर यूनिट से 3 अलग अलग डायरेक्शन में एयर फ्लो देखने को मिलेगा, जिससे आपका रूम जल्दी से ठंडा होगा। वहीं फास्ट कूलिंग के लिए इस एसी में पावर चिल ऑपरेशन का फीचर मिल जाता है, साथ ही साथ पावर सेविंग के लिए इकोनो मोड का फीचर भी मिल जाता है। इसके अलावा इस एसी के इंडोर यूनिट में आपको पावर एयर फ्लो डुअल फ्लैप देखने को मिलता है, और एयर फिल्ट्रेशन में इस एसी के अंदर आपको डस्ट फिल्टर और PM2.5 फिल्टर मिलता है। ये जो फिल्टर है वो हवा से वायरस और बैक्टीरिया को किल करके एयर कंडीशनर से आपको क्लीन एंड हेल्दी एयर प्रोवाइड कराता है। बात करें वारंटी की तो तीनों ही एयर कंडीशनर में 1 ईयर ऑन प्रोडक्ट, 5 ईयर्स ऑन PCB एंड 10 ईयर्स ऑन कंप्रेसर पर वारंटी मिल जाती है। लेकिन LG के एयर कंडीशनर में 10 साल की कंप्रेसर पर वारंटी के साथ साथ गैस चार्जिंग पर भी वारंटी देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो पैनासोनिक के इस एयर कंडीशनर को आप इस समय खरीद पाएंगे 44,490 रुपीज़ के आसपास, वहीं LG के एयर कंडीशनर को आप इस समय खरीद पाएंगे 46,590 रुपीज़ के आसपास, और डेकिन के इस एयर कंडीशनर को आप खरीद पाएंगे 45,590 रुपीज़ के आसपास। दोस्तों एक बात बता दूं कि इन एसीज के प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं, तो ये सारे प्राइस इनके अभी के प्राइस हैं। अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इन्हें खरीद सकते हैं।
अब बात करते हैं इन तीनों ही एसी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पैनासोनिक की एसी के बारे में बात करेंगे। तो कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, पैनासोनिक के इस एसी की कमी यह है कि इनके आउटडोर यूनिट का साइज अदर ब्रांड के मुकाबले छोटा है। वहीं शुरू में जब आप इस एसी को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी नॉइज़ ये एसी ज़्यादा करता है, लेकिन बाद में जब एसी चलने लगता है तो नॉइज़ लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके प्रोज की बात करें तो पैनासोनिक का ये एसी इंडिया का फर्स्ट मैटर इनेबल्ड एसी है और वाईफाई इनेबल्ड फीचर के साथ आपको मिल जाता है, और साथ ही वो सारे रिक्वायर्ड फीचर इस एसी में देखने को मिल जाते हैं जो एक इन्वर्टर एसी में होने चाहिए। एलजी एयर कंडीशनर के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो दोस्तों इस एसी में कमी आपको ये देखने को मिलेगी कि जो भी 100% कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है वो कंपेयर टू डैकिन एंड पैनासोनिक एयर कंडीशनर के मुकाबले थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर आपका रूम 180 स्क्वायर फीट तक का है तो काफ़ी सारी वजह है एलजी के इस एयर कंडीशनर को खरीदने की। यह एयर कंडीशनर पावर एंड कूलिंग एफिशिएंट है, और सबसे अच्छी बात यह है कि एलजी के एसी की आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छी है। अब बात करेंगे डैकिन एयर कंडीशनर के प्रोज एंड कॉन्स की। तो दोस्तों इस एसी में आपको कमी ये देखने को मिलेगी कि इसमें आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड का फीचर नहीं मिलता है, यानी कि 1.5 टन कैपेसिटी के अलावा कम कैपेसिटी में सेट करके रन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पावर चिल ऑपरेशन के फीचर का यूज करके इस एसी से ज्यादा कूलिंग ले सकते हैं, यानी कि एक्सपेंडेबल कूलिंग मोड पर इस एसी को चलाकर ज्यादा कूलिंग ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि कम कैपेसिटी का मोड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में काफ़ी सारी वजह है इस एसी को परचेज करने की। सबसे पहली वजह यह है कि इस एसी में आपको ट्रू कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, और ये एसी आपको प्रॉपर 1.5 टन का मिलता है जो कि कवरेज एरिया आपको ज़्यादा प्रोवाइड कराता है। अगर आप इस एयर कंडीशनर को 180 स्क्वायर फीट तक के रूम में यूज़ करेंगे तो कंपेयर टू एलजी एंड पैनासोनिक की एसी के मुकाबले ये एसी आपके रूम को फास्ट कूलिंग करेगा, क्योंकि इसमें आपको कूलिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा मिल रही है और आउटडोर यूनिट पैनासोनिक और एलजी के एयर कंडीशनर के मुकाबले बड़ा है। साथ ही वो सारे रिक्वायर्ड फीचर मिल जाते हैं जो एक बढ़िया इन्वर्टर एयर कंडीशनर में होने चाहिए। तो दोस्तों ये हो गए पैनासोनिक, एलजी और डैकिन के स्प्लिट एसी के पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।